हरियाणा के तोशाम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता किरण चौधरी ने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता बीजेपी सरकार से परेशान हो चुकी है। प्रदेश का कोई भी वर्ग बीजेपी के राज में सुखी नहीं है। बीजेपी सरकार ने नोटबंदी करके देश की अर्थव्यवस्था को बदनाम करने का काम किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर किसानों को लूटकर निजी बीमा कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने अपनी बेटी श्रुति चौधरी के लिए अपील करते हुए कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सांसद बनकर भेजो, वह आपकी संसद में आवाज बुलंद करेगी। उन्होंने हरियाणवी लहजे में बोलते हुए कहा कि अपनी सरकार आड़ दो पूरे जोर शोर से, आपके काम होया करेंगे और महिलाओं का काम पूरा सम्मान दिया जाएगा। साथ ही आप जेजेपी गठबंधन पर निशाना साधा। नहीं, आज सारे हमारे जो पंजाबी समाज है उनके साथ, अलग अलग समाजों के साथ, सबके साथ बैठक कर रही हूँ उनकी समस्याएं सुनने के लिए और श्रुति को वोट डालने के लिए अपील कर रही हूँ, ताकि ये मेरा तो घर है और ये परिवार है मेरा, और मैं जानती हूँ कि ये ऐसा समाज है जिन्होंने हमेशा योगदान ही करा है। लेकिन इनके साथ जो हुआ GST के दौरान, नोटबंदी के दौरान, और जो है जिस तरह से फिरौतियाँ मांगी जाती हैं, कानून व्यवस्था खराब है, तो सबसे ज़्यादा दुकानदारों व्यापारियों के ऊपर उसका फर्क पड़ता है। तो ये मेरा वायदा है कि अपनी सरकार आते ही ये सारे गुंडे दूंगी बाहर भगा और सारे अच्छी तरह से सुरक्षित माहौल के अंदर ये लोग अच्छी तरह से जिएंगे। प्रियंका गांधी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया और यूपी का प्रभाव दिया गया है, उसके बारे में क्या प्रभाव पड़ेगा? कांग्रेस के अंदर एक नई ऊर्जा जो है यूपी के अंदर अभी से शुरू हो गई है और सबको तकलीफ होने लगी है कि प्रियंका जी के आने के बाद, मैं समझती हूँ उनके आने के बाद कांग्रेस एक बहुत ज्वलंत तरीके से आगे बढ़ेगी।